अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण दिनों दिन प्रगति कर रहा है। गर्भगृह का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसकी छत पूरी तरह ढाली जा चुकी है। मंदिर निर्माण के लिए सबसे अहम माने जा रहे छत ढालने के काम को विशेषज्ञों की निगरानी में पूरा किया गया है। ये कार्य पूरा होने के बाद श्री राम मंदिर का भव्य स्वरूप नजर आने लगा है। इसके बाद अब गर्भगृह का फर्श बिछाने का काम शुरू हो गया है। संगमरमर का ये फर्श डाले जाने के बाद ये काम लगभग पूर्णता की ओर पहुंच जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि कितना हुआ श्री राम मंदिर के निर्माण का काम और दिखाते हैं निर्माण के नए दृश्य। जनवरी 2024 में भव्य मंदिर के गर्भगृह में प्रभु श्री राम को विराजमान किया जाना है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दिसंबर 2023 तक राम मंदिर के गर्भगृह का कार्य पूरा करने की समय सीमा तय कर रखी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात काम चल रहा है। मार्च में 19 फुट ऊंचे स्तंभों को खड़ा करने के बाद सबसे पहले बीम डालने का कार्य किया गया था। इसके बाद मई की शुरुआत में इन बीम पर छत डालने का कार्य आरंभ किया गया था। छत के लिए राजस्थान के सिरोही कार्यशाला में पत्थर तैयार कराए गए थे। इन पत्थरों पर अद्भुत नक्काशी की गई है। हर पत्थर पर नंबरिंग और कोडिंग की गई है। इसके बाद हर एक पत्थर को कोडिंग आधारित डायग्राम के अनुसार छत में लगाया गया है। इस डायग्राम से आसानी से पता लग जाता है कि कौन सा पत्थर किस साइज का है और उसकी कितनी ऊंचाई पर किस जगह पर उसे लगाना है। विशेषज्ञों की निगरानी में दिन रात चले इस काम को अब पूरा कर लिया गया है। छत का काम पूरा होने के बाद अब दरवाजों और फर्श का काम शुरू हो गया है। दरवाजों का निर्माण भी प्रारंभ हो गया है। ट्रस्ट के अनुसार सबसे पहले सागौन की लकड़ी को समतल किया जा रहा है। लकड़ी को निर्धारित लंबाई में काटकर तराशा जा रहा है। दरवाजों का निर्माण हैदराबाद की अनुराधा टिम्बर के कारीगर कर रहे हैं। इसके लिए महाराष्ट्र से लगभग 1700 घनफीट सागौन की लकड़ी आनी थी, जिसका 70% हिस्सा यहां पहुंच गया है। दरवाजों का निर्माण दो चरणों में होगा। दरवाजों पर आकर्षक आकृतियां गढ़ी जाएंगी। मंदिर के मुख्य दरवाजे पर स्वागत का प्रतीक उकेरा जाएगा। ऐतिहासिक व पौराणिक महत्व के प्रतीकों से दरवाजे सज्जित होंगे। दूसरी तरफ मंदिर के भूतल पर संगमरमर लगाने की तैयारी भी तेज हो चुकी है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में संगमरमर मंदिर परिसर पहुंच चुका है। निर्माण में 91,300 वर्ग फीट संगमरमर का उपयोग किया जाएगा। फर्श पर धार्मिक आकृतियां, रंगोली आदि का भी चित्रण होगा। विशेषज्ञों के अनुसार राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण लगभग 90% तक पूरा हो गया है। इसको समय सीमा से पूरा होने के बाद संपूर्ण मंदिर का निर्माण निर्धारित समय सीमा से पहले होने की उम्मीद बढ़ गई है।